भारत के सबसे ताकतवर पुलिस वाले जिनसे मुजरिम थर थर कांपते हैं। नंबर एक, नवीन कुमार। दोस्तों, नवीन कुमार बॉडी बिल्डर के साथ साथ हरियाणा पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात है। उनको बॉडी बिल्डिंग करने की प्रेरणा उनके ही एक दोस्त से मिली थी। नवीन अपनी नौकरी के साथ साथ घंटों समय जिम में भी बिताया करते हैं। नवीन ने बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बनाने में काफी कड़ी मेहनत की है और उन्हें अपनी इस मेहनत का फल भी मिला जब उन्होंने 2013 में मिस्टर हरियाणा का खिताब जीता। नवीन ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में मिस्टर हरियाणा का खिताब हासिल किया था और उसके बाद दिल्ली में आयोजित हुए मिस्टर दिल्ली 2016 में नवीन ने 5वां स्थान हासिल किया। नवीन अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 2017 में हुए वर्ल्ड पुलिस चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। नवीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह हरियाणा पुलिस का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करना चाहते हैं। नंबर दो, अमित छेत्री। दोस्तों, अमित छेत्री का जन्म देहरादून के हरिद्वार में हुआ था। यह उत्तराखंड पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात हैं। 95 से 100 किलोग्राम के वेट में अमित छेत्री को सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर्स में से एक चुना गया था। दोस्तों, अमित ने कांस्टेबल के तौर पर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्होंने 2 तक टाइगर इंडिया के खिताब जीते हैं। अमित को 2013 में पुणे में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब भी मिल चुका है। जब अमित से उनके फैंस ने उनके बेहतरीन बॉडी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अच्छी बॉडी को एक दिन में नहीं बनाई जा सकती है, इसके लिए लगन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत एक्सरसाइज से बचें और अच्छी और संतुलित बॉडी के लिए समय पर एक्सरसाइज करें। अच्छा खान पान और एक एक्सपीरियंस जिम ट्रेनर भी जरूरी है। नंबर तीन, रूबल धनकर। दोस्तों, रूबल धनकर सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा है। रूबल धनकर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। 0 से अगस्त 1988 को दिल्ली में जन्म लेने वाले रूबल धनकर को शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, जिस वजह से इन्होंने अपनी बॉडी भी काफी कमाल की बना रखी है। अपनी बॉडी की बदौलत ही इन्होंने 2016 में रोडी सीजन 4 में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी के दम पर सबके दिलों में जगह बना ली थी। उसके बाद तो मानो रूबल धनकर रुके ही नहीं। रूबल धनकर यूट्यूब पर फिटनेस ट्रेनर के रूप में एक जाना माना चेहरा है और ये फिटनेस के प्रति यंगस्टर्स को मोटिवेट भी करते रहते हैं। 2009 में गलत तरीके से की गई एक सर्जरी में उनके एक नर्व डैमेज होने से उनका आधा चेहरा पैरालाइज्ड हो गया था, जिसके कारण वो 6 महीने तक खाना भी नहीं खा पाए। उस दरमियान रूबल धनकर सिर्फ लिक्विड डाइट पे जिंदा रहे। कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद और बहुत सारी कोशिशों के बाद धीरे धीरे उनके मसल पावर ठीक होने लगे और उस समय रूबल धनकर का कोई इनकम सोर्स भी नहीं था। इसी दौरान उनकी दिल्ली पुलिस में नौकरी लगी। दोस्तों, इसके बाद तो रूबल धनकर ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। नंबर चार, सचिन अतुलकर। दोस्तों, सचिन एक ऐसे बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर है जो काफी छोटी उम्र में ही आईपीएस बन गए थे। भोपाल के रहने वाले आईपीएस सचिन अतुलकर जब 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास किए तो वो अपने बैच के सबसे छोटे एस्पिरेंट्स थे। आपको बता दें, आईपीएस सचिन अतुलकर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिटनेस के मामले में वो कई युवाओं के लिए यूथ आइकॉन है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन नेशनल लेवल पर क्रिकेट भी खेल चुके हैं। इसके अलावा सचिन ने पुलिस सर्विस में एक अलग ही मकान हासिल किया है। सचिन के पिता फॉरेस्ट सर्विसेज रिटायर्ड हैं और उनका एक भाई भी है जो मिलिट्री में है। आईपीएस सचिन ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिटनेस से बॉडी एक्टिव बनी रहती है और माइंड रिलैक्स रहता है। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।